मोबाइल फटते क्यों हैं? क्या आपका भी मोबाइल फट सकता है? तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? आपके इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम रोज कटिंग न्यूज देखते हैं कि फोन फटने से किसी महिला या पुरुष की मौत हो गई है, लेकिन कैसे? तो इसे जानने के लिए इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से फोन फटता है। कारण नंबर वन, अगर फोन की बैटरी गर्म हो जाए, फूल जाए या उसमें कोई तकनीकी खराबी हो जाए तो फोन फट सकता है। और कारण नंबर दो, मोबाइल में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मोबाइल फट सकता है। कारण नंबर तीन, मोबाइल के हाई एंड प्रोसेसर पर हीट सिंक न लगा रहने की वजह से मोबाइल फट सकता है। यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बैटरी की वजह से मोबाइल कैसे फट सकता है, तो आप जान लीजिए कि चार्जिंग के समय मोबाइल के आसपास रेडिएशन रहता है और इस कारण हमारे फोन की बैटरी गर्म हो जाती है। इसलिए चार्जिंग के समय मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। यदि चार्जिंग के समय हम फोन यूज करते हैं तो ब्लास्ट होने के चांसेज और बढ़ जाते हैं और मोबाइल किसी भी समय फट सकता है। अब ये भी जान लीजिए कि मोबाइल में शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्लास्ट कैसे होता है। तो देखिए, मोबाइल में लगी बैटरी में कई तरह की लेयर होती है। कई बार क्या होता है कि फोन गिरने या किसी अन्य कारण की वजह से बैटरी की लेयर टूट जाती है या फिर इसमें गैप आ जाता है, तो इस वजह से बैटरी फूल जाती है और इसके बाद हमारे फोन में शॉर्ट सर्किट होकर बैटरी किसी भी समय फट सकती है। कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई प्रोसेसर की वजह से मोबाइल कैसे फट सकता है, तो ये भी जान लीजिए। क्या है ना कि आजकल ज्यादातर मोबाइल हाई एंड प्रोसेसर वाले होते हैं जो ज्यादा गर्म होते हैं और ये प्रोसेसर हमारे फोन की बैटरी के पास में लगे होते हैं और जब हम फोन को यूज करते हैं तो फोन पर लोड पड़ता है। इसकी वजह से प्रोसेसर गर्म हो जाता है और ये पास में लगी बैटरी को भी गर्म कर देता है और ये बैटरी ज्यादा गर्म होकर कभी भी फट सकती है। लेकिन ज्यादा महंगे फोनों के साथ ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनमें प्रोसेसर के पास हीट सिंक लगा होता है जो प्रोसेसर की गर्मी को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से प्रोसेसर गर्म नहीं होता है। ये तो हो गए मोबाइल फोन की बैटरी फटने के कारण कि किसकी वजह से मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट होती है, लेकिन हमें तो इससे बचने के कारण जानने हैं ताकि हमारा फोन ब्लास्ट ना हो। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यदि इन बातों को हम फॉलो करें तो हम अपने मोबाइल को ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं। नंबर एक, फोन पर ढेर सारी ऐप डाउनलोड ना करें। और नंबर दो, कभी भी तकिए के नीचे मोबाइल रखकर ना सोए। नंबर तीन, लगातार 2-3 घंटे तक कान पर मोबाइल रखकर बातें न करें। नंबर चार, चार्जिंग में फोन लगाकर गेम न खेले और कॉल पर बात न करें। नंबर पाँच, डुप्लीकेट चार्जर से फोन चार्ज ना करें और कभी भी डुप्लीकेट बैटरी का यूज ना करें। और नंबर छह, मोबाइल की कोई सिक्योरिटी अपडेट आई हो तो उसे जल्द से जल्द इंस्टॉल करें। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें और है, जैसे एक लंबी बातचीत के लिए एयरफोन का इस्तेमाल करें और गर्मी में कभी भी बंद कार में अपना मोबाइल ना छोड़े। इस प्रकार इन सभी बातों का ध्यान रखकर हम अपने मोबाइल को ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं। इस प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।